डर तो लग रहा है बहुत। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर फिसल गए ना तो सीधा वैली है सामने, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से चलना है। शुगर को बस दे 20 सब रख दे नहीं तो जी जी इसको शेके नहीं जाना। श्री गुरुदेव वो बोली है। चलो अभी नई जगह देखनी है, भरतवन जी भरतवन नी जग्या, बहुत मतलब लगता है भरतवन जी के जगह। गुजराती तो उतनी पढ़ने को नहीं आती, समझती भी नहीं है, देखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिल्कुल गिरनार एक अलग अलग जगह है, बिल्कुल श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर तिरुपति बालाजी पत्थर चट्टी की जगह है। ओके पत्थर चट्टी क्या होता है ये देखना पड़ेगा अब। हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है, ये बात तो तय है। श्री गुरुदेव दत्त, अभी हम जो चल रहे हैं ना वो रास्ता गिरनार से थोड़ा सा अलग है। गिरनार का मेन रास्ता वहाँ पे है और वहाँ से हम नीचे आए हैं थोड़ा सा। मैं भी 3 times आया हूँ गिरनार, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सभी जगह। ये अभी दोपहर के 1:30 बजे है, मेरे को मुझे पता है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि 1:30 बजे है अभी, लेकिन आराम से चलेंगे तो 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। अब क्या होगा, कैसा कैसे होगा, दत्त भगवान ही जाने। आराम से श्री गुरुदेव दत्त। ये सभी जगहें देख के मेरे को रायगढ़ की याद आ रही है, रायगढ़ राजगढ़ सभी तो ऐसे ही है। और जब हम मानसून में फोर्ट विजिट करते हैं ना तो नज़ारा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है 3 times में कि मैं जो नीचे वैली है जंगल है उसका एक पार्ट भी नहीं दिख रहा हूँ, एक पार्ट भी नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत घना जंगल है, लेकिन क्या करे पूरे बादल छाए हैं, जाएंगे उसमें से ही ऊपर। अभी खाली 2 minutes हुए थे और एकदम से मौसम चेंज हुआ है, एकदम से तेज़ हवा शुरू हो गई और थोड़ा सा बारिश भी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और एकदम से शायद धूप तेज़ हो रही है बादलों से ऊपर, इसे थोड़ी सी रोशनी आ गई है और कुछ नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। क्या है ये पत्थर, अलग है। वाह वाह वाह, चलिए जाना है, थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है तो थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, अंतर काटना पड़ेगा। श्री गुरुदेव दत्त, हमें यहाँ जाना है। चलिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद बारिश नहीं हुई है, अलग जगह है बिल्कुल। वहाँ पे जो स्टेप्स है पूरी पूरी वेट थी और यहाँ पे बिल्कुल ड्राई है, थोड़ा आश्चर्यकारक है ऐसे कैसे हो रहा है। ये देखो ना बिल्कुल, अभी मेरा यहाँ पे पैर फिसल गया था। अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है और कुछ नहीं, खास करके हम जब क्लाइम ऊपर करते हैं ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है जब हम नीचे उतरते हैं, तो शरीर आगे झुकता है। आराम आराम से, श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। चलो अभी गुफा के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे, देखते हैं।
सोड़ा। अरे बाप रे, यहाँ पे बोल दिया है कि बहुत ही धीरे धीरे जाना है क्योंकि फिसलन हो सकती है कहीं पे भी। शेवाळ नसलेल्या, ओके, थोड़ा सा बैठने। ये गुफा उतना आसान रास्ता बिल्कुल ही नहीं है अभी बारिश के दौर में। ये क्या देख रहे हैं पता नहीं है हम एक्चुअली, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं है क्योंकि फिसलन है, बहुत ही फिसलन है। अभी मेरी लाठी फिर से गुम हो गई कहीं पर, शायद किसी ने तो उठा ली होगी। आराम से आ जाओ, अब यहाँ से यहाँ जाना है ऐसा। अरे यार हाँ शायद वहाँ पे जाना है हमें, लेकिन देखो ऐसा है और यहाँ से देखो फिसल रहा है थोड़ा सा पे। आराम से जाना है, आराम से चलो। डर तो लग रहा है बहुत। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर फिसल गए ना तो सीधा वैली है सामने, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से चलना है। बस आराम से एक मिनट देखिए। अरे अरे यार लग गए थोड़ा पैर में, पर ठीक है। देख लीजिए कितना अच्छा बढ़िया तरीके से बनाया है सभी, और पता भी नहीं है कब का है। चलो अब ये है गुफा। वाह जटाडवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाण्डमड्डमड्डमण्डमन्निनादवड्डभरवयं चकारचण्डताण्डवन्दनोऽधुन शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमुरुधरी नगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाडपट्टभावगे किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्रिगन्धसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। चला अब थोड़ा रपेट मारना पड़ेगी, बहुत देर हुई है अभी। फिसलन है क्या? चलो अब फिर से थोड़ी सी फिसलन आ सकती है यहाँ पर शायद। थोड़ा सा फिसल रहा है पैर, ये क्या हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। आराम से जाना है। ओके
लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि ऐसी गुफा कभी देखने को मिलती नहीं है, और अगर ऐसी जगह पे अगर साधना करने के लिए मिल जाए ना तो क्या स्वर्ग से भी बेहतर हो जा सकता है वो। और अच्छा नसीब अच्छा है और कुछ नहीं कि ऐसे साथी मिले आज गिरनार में जिनको ये सब जगह पता थी। तो तीन बार में पहली बार हम यहाँ पे आए हैं। नाम क्या है वो? इतना सेवादास आश्रम, सेवादास बराबर। तो अगर हो सके तो यहाँ पे एक बार आ जाइए, गुफा बहुत अच्छी है देखने के लिए, बहुत ही अच्छी है। चलो फिर से गिरनार शुरू।